हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिशन अधिकारी में। और आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड, और उसमें से भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, जिसे डिनोट करते हैं ए आई जे। आई मतलब नंबर ऑफ रो और जे मीन्स नंबर ऑफ कॉलम। तो इसके डेफिनेशन पढ़ते हैं। द को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, the cofactor of an element aij of a square matrix of a square matrix A is equals to, A is equals to matrix होगा A I J, is given by minus 1 to the power I plus J M I J। ये क्या होगा उसका cofactor, कॉमा where m i j is equals to minor of a i j, minor of e i j। इसके पहले हम लोगों ने माइनर कैसे निकाल दे वो देखा था। द कोफैक्टर ऑफ ए आई जे इज डिनोटेड बाय ए आई जे। तो इसका फार्मूला क्या होगा, को फैक्टर ए आई जे इज इक्वल्स टू माइनस वन रेस टू द पावर आई प्लस जे इंटू माइनर एम आई जे। बराबर है। यहाँ पे आई मतलब क्या होगा, I मतलब होगा रो और J मतलब क्या होगा कॉलम, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम। तो ये क्या होगा इसका फार्मूला, कहेगा ये फार्मूला होगा को फैक्टर का। तो अब देखते हैं एक प्रॉब्लम को फैक्टर किस तरह से निकाला जाता। तो देखो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, फाइंड दी को फैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स A इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स 1, 3, 2, 4। तो देखो सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं सॉल्यूशन। गिवन हम लोगों को क्या है, A इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कौन सा है 1, 3, 2, 4, 2x2 का मैट्रिक्स है। और हमें यहाँ से क्या निकालना है, टू फाइंड कोफैक्टर्स। अब देखो कोफैक्टर्स किस तरह से निकालते हैं वो देखते हैं। तो कोफैक्टर्स निकालने के लिए हियर देखो हम लोगों को क्या क्या गिवन है, ए वन वन हम लोगों को क्या गिवन है, वन। बराबर है। अब ए वन वन पता है तो हम लोग यहाँ से माइनर निकाल सकते हैं एम वन वन। माइनर किस तरह से निकाल दे, ये वाली रो कैंसिल कर दे और ये कॉलम, तो क्या बचा फोर। तो माइनर कितना होगा फोर। सेम देखो इसका क्या होगा, फॉर्मूला क्या है कोफैक्टर निकालने का, फॉर्मूला है ए आई जे इज इक्वल्स टू माइनस वन रेस टू द पावर आई प्लस जे एम आई जे। बराबर है। तो इसका ए आई जे मतलब वन वन, कोफैक्टर क्या होगा ए वन वन इज इक्वल्स टू माइनस वन, आई कितना है वन प्लस वन इंटू एम वन वन, एम वन वन हम लोगों ने निकाला है इज इक्वल्स टू देखो यहाँ पे माइनस वन रेस टू द पावर टू इंटू एम वन वन कितना है फोर, और वन का स्क्वायर कितना होता वन इंटू फोर इज इक्वल्स टू कितना होगा फोर। देयरफॉर इसका क्या आएगा कोफैक्टर ए वन वन कितना आएगा फोर। अब देखो ए टू टू उसी तरह से निकाल दें, सॉरी ए वन टू कितना है टू। देयरफॉर एम वन टू कितना होगा
देखो ये भी कैंसिल करते और ये भी कैंसिल करते, कितना बचेगा? थ्री। देयरफॉर ए वन टू इज इक्वल्स टू माइनस वन रेस टू द पावर वन प्लस टू इंटू एम वन टू इज इक्वल्स टू क्या होगा? माइनस वन रेस टू द पावर थ्री इंटू एम वन टू कितना आया? थ्री। इज इक्वल्स टू क्या होगा? यदि माइनस रहा तो माइनस का कैसे होगा? माइनस वन इंटू थ्री इज इक्वल्स टू क्या होगा? ए वन टू इज इक्वल्स टू माइनस थ्री, क्या होगा? माइनस थ्री, ये होगा कोफैक्टर कहेगा ए वन टू का। अब देखते हैं, अब हम लोगों को फिर से क्या गिवन है? ए टू वन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, क्या है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में? थ्री। देयरफॉर एम टू वन कितना गिवन है हम लोगों को? एम टू वन गिवन है, एम टू वन निकालना पड़ेगा। ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल करते, कितना बचा? टू। तो ये टू। देयरफॉर ए टू वन इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस वन रेस टू द पावर टू प्लस वन इंटू एम टू वन इज इक्वल टू माइनस वन रेस टू द पावर थ्री इंटू एम टू वन कितना निकला? टू। इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे? माइनस वन इंटू टू। देयरफॉर ए टू वन इज इक्वल टू माइनस टू, कितना होगा ये? माइनस टू। अब देखो बाद में देखते हैं, ए टू टू कितना गिवन है हम लोगों को? सेकंड रो सेकंड कॉलम कैंसिल करते, क्या बचा? टू। बराबर है, तो ये टू सॉरी कितना गिवन है? फोर गिवन है। उसका एम टू टू कितना निकलेगा? ये कैंसिल करेंगे तो कितना निकलेगा? वन। बराबर है, तो यहाँ पे वन। देयरफॉर ए टू टू इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस वन रेस टू द पावर टू प्लस टू, टू प्लस टू मतलब टू रो टू कॉलम इंटू एम टू टू इज इक्वल टू माइनस वन रेस टू द पावर फोर इंटू एम टू टू कितना है? वन। इज इक्वल टू यदि पावर से इवन नंबर रहा, बराबर है, तो ये पॉजिटिव आती वैल्यू, मतलब क्या होगा? ये वन इंटू वन इज इक्वल टू वन, तो ए टू टू ये कितनी होगी? वन होगी। तो देखो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पे क्या आया? ए वन वन इज इक्वल टू फोर, तो ए वन वन इज इक्वल टू फोर, ए वन टू इज इक्वल टू माइनस थ्री, ए टू वन इज इक्वल टू माइनस टू और ए टू टू इज इक्वल टू वन। तो ये क्या है? ये है को फैक्टर्स ऑफ एलिमेंट, ये एलिमेंट्स के क्या है? को फैक्टर्स निकालते हैं। तो इस तरह से 2x2 मैट्रिक्स के को फैक्टर्स निकालते हैं। अभी कुछ प्रॉब्लम गिवन है, वो प्रॉब्लम्स आप लोगों को सॉल्व करना है और वो उसके आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजना है। गिवन है आपके स्क्रीन के ऊपर, फाइंड को फैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ए इज इक्वल टू वन माइनस टू माइनस टू माइनस वन थ्री जीरो टू फाइव माइनस वन। तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं। सॉल्यूशन हम लोगों को गिवन क्या है? गिवन क्या है? ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स वन माइनस टू माइनस टू और यहाँ पे माइनस वन थ्री जीरो, यहाँ पे टू फाइव माइनस वन। बराबर है, यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? टू फाइंड कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है। और इसका फार्मूला कैसे होगा? फार्मूला ए आई जे इज इक्वल्स टू माइनस वन रेस टू द पावर आई प्लस जे इंटू माइनर एम आई जे, ये क्या होगा? फार्मूला होगा। तो देखो यहाँ पे क्या क्या है हम लोगों को? हियर ए वन वन इज इक्वल टू ए वन वन इज इक्वल टू हम लोगों को क्या गिवन है? ए वन वन है वन, तो यहाँ पे वन लिखते हैं। बराबर है। नाउ एम वन वन, एम वन वन निकालना है तो एम वन वन कैसे निकालेंगे? ये इस तरह से लिखेंगे। अब देखो ये वाला कॉलम और ये वाली रो कैंसिल करते तो फिर क्या होगा? थ्री फाइव जीरो माइनस वन, तो
तो यहाँ पे क्या होगा, 3 5 0 -1। अब इसे सॉल्व करते, सॉल्व किस तरह से होगा, 3 × -1 - 0 × 5 इज इक्वल टू क्या होगा, -3 - 0 इज इक्वल टू क्या होगा, -3। देयरफॉर M11 इज इक्वल टू कितना होगा, -3। ये क्या निकला, माइनर निकला। और हम लोगों को माइनर निकालना है क्या, नहीं, हम लोगों को क्या निकालना है, कोफैक्टर। देयरफॉर A11 इज इक्वल टू -1 रेस्ट टू द पावर क्या होगा, 1 + 1 × M11 इज इक्वल टू -1 रेस्ट टू द पावर 2 इज इंटू -3। और पावर इवन रहा तो क्या होता है, ये पॉजिटिव वैल्यू आती, तो 1 × -3 इज इक्वल टू क्या होगा, -3। बराबर है, देयरफॉर A11 इज इक्वल टू -3। तो ये हो गया कोफैक्टर किसका, A11 का। वैसे हम लोगों को पूरे इसका निकालना है, तो पूरे इसका किस तरह से निकालेंगे, अब देखो, यहाँ पे काय के लिए लिखेंगे, अब यहाँ पे लिखते A12। A12 में एलिमेंट्स कौन सा है, -1। बराबर है, तो M12 क्या होगा, फर्स्ट रो छोड़ दे और सेकंड कॉलम छोड़ते, तो क्या बचेगा, -2 - 2 - 5 - 1। बराबर है, इज इक्वल टू इसे कैसे सॉल्व करेंगे, -2 × -1 - -2 × 5 इज इक्वल टू, ये क्या होगा, -2 - +2 × 1 - 2 - 5 - 10 - (-+) इज इक्वल टू 2 + 10 इज इक्वल टू 12। ये क्या निकला, माइनर निकला। देयरफॉर M12 इज इक्वल टू 12। बराबर है, तो हम लोगों को माइनर चाहिए क्या, नहीं, हम लोगों को क्या चाहिए, कोफैक्टर्स। देयरफॉर A12 इज इक्वल टू -1 रेस्ट टू द पावर 1 + 2 × M12 इज इक्वल टू क्या होगा, -1 रेस्ट टू द पावर 3 × M12 कितना है, 12। बराबर है, इज इक्वल टू पावर कितना है, ऑड है, बराबर है, 3, मतलब ये माइनस वैल्यू आएंगे, नेगेटिव, इंटू 12 इज इक्वल टू क्या होगा, -12। देयरफॉर A12 इज इक्वल टू -12। बराबर हो गया। अब देखो, अब थर्ड निकालते हैं, थर्ड क्या निकालेंगे, A13 कितना है, 2। तो इसका M13 कैसे होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ेंगे, तो क्या आएगा यहाँ पे, क्या बचेगा, -2 - 2 - 3 और 0। बराबर है, अब यहाँ पे देखो, इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, -2 × 0, बाद में ये वाला मल्टीप्लिकेशन करते हैं, -2 × 3। यहाँ पे देखो, इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू -2 × 0 - अब -6 - (-+) इज इक्वल टू 0 + 6 इज इक्वल टू 6। देयरफॉर M13 इज इक्वल टू 6। M13 कितना निकला, 6 निकला। बराबर है, देयरफॉर A13 इज इक्वल टू क्या होगा, -1 रेस्ट टू द पावर क्या, 1 + 3 × M13 इज इक्वल टू -1 रेस्ट टू द पावर 4 × M13 कितना है, 6 इज इक्वल टू, पावर कितना है, इवन नंबर है, समसंख्या है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू इंटू 6 इज इक्वल टू 6। देयरफॉर A13 इज इक्वल टू 6। A13 कितना आया, 6 है। सेम इसी तरह से लिखते हैं आगे, वो क्या निकालना है, यहाँ पे निकालना है A21। तो ये A21 क्या है, यहाँ पे देखो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या है, -2। अब इससे क्या निकालना है हम लोगों को, M21 क्या होगा,
देखो यहाँ पे सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देते, क्या बचेगा? -1021, -10 यहाँ पे 2 -1, बराबर है। तो इसे सॉल्व कर दे, इसे कैसे सॉल्व करेंगे? -1 × -1 -0 × 2 इज इक्वल टू -×- +1 -0 इज इक्वल टू कितना है? 1। देयर फॉर यहाँ पे M21 इज इक्वल टू कितना आया? 1, बराबर है। इससे क्या निकालेंगे हम लोग? कोफैक्टर्स 821 इज इक्वल टू -1 रेस्ट टू द पावर 2 + 1 इंटू M21 इज इक्वल टू -1 रेस्ट टू द पावर कितना होगा? 3 इंटू M21 कितना है? 1 इज इक्वल टू, पावर यदि क्या रहा? ऑड रहा, तो उसे क्या लिखते हम लोग? माइनस लिखते हैं, निगेटिव वैल्यू, -1 इज इक्वल टू क्या होगा? -1। देयर फॉर A21 इज इक्वल टू -1, A21 इज इक्वल टू -1, बराबर है। उसके बाद सेकंड वन लिखते हैं A22 क्या गिवन है हम लोगों को? 3। इससे क्या निकलेंगे? M22 क्या है गिवन? देखो ये रो ये कॉलम छोड़ेंगे तो 1 - 2 - 1 1 - 2 - 2 - 1, तो इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे होगा? ये वाला पहले मल्टीप्लिकेशन, बाद में ये, मतलब 1 × -1 - -2 × 2 इज इक्वल टू क्या होगा? -1 - ब्रैकेट में -4 इज इक्वल टू -1 - (-)+4। अब 4 में से एक गया, कितना बचेगा? 3। देयर फॉर M22 इज इक्वल टू 3। अब इससे क्या निकालेंगे? को फैक्टर। देयर फॉर A22 इज इक्वल टू -1 रेस्ट टू द पावर क्या होगा? 2 + 2 M × M22 इज इक्वल टू -1 रेस्ट टू द पावर 4 × M22 कितना निकला? 3 इज इक्वल टू क्या होगा? ये -1 रेस्ट टू द पावर 4 है तो पॉजिटिव आएगा, मतलब 1 × 3 इज इक्वल टू क्या होगा? 3। देयर फॉर A22 की वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी। A22 इज इक्वल टू 3। अब देखो सेम उसी तरीके से क्या निकालेंगे? A23 कितना है हम लोगों के पास? 5। अब M23 सेकंड रो और थर्ड कॉलम छोड़ते तो क्या बचेगा? ये छोड़ेंगे तो क्या बचेगा? 1 - 1 - 2 और 0। इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते इस तरह से, ये क्या होगा? पहले 1 × 0 - -2 × -1 इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे? 0 - (-)+2 × 2 = 1 2 इज इक्वल टू क्या होगा? -2। देयर फॉर M23 इज इक्वल टू -2, बराबर है। देयर फॉर A23 इज इक्वल टू -1 रेस्ट टू द पावर 2 + 3 × M23 इज इक्वल टू -1 रेस्ट टू द पावर 3 + 2 5 × M23 कितना है? -2 इज इक्वल टू ये क्या है? -1 का पावर 5 क्या है? ऑड नंबर, बराबर। मतलब ये -1 × -2 क्या होगा? -× -+ यहाँ पे क्या होगा? 2। देयर फॉर A23 इज इक्वल टू 2। A23 क्या होगा? 2। ये यहाँ तक के। अब देखो अब हम लोगों को क्या निकालना है? A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, A31 क्या है? -2, बराबर है, -2। अब M31 माइनस क्या क्या होगा? ये वाला भी छूटेगा और ये वाला भी छूटेगा, क्या बचेगा? -1 = 3 - 2 = 5। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे किस तरह से? ऐसे -1 × 5 - 3 × 2 इज इक्वल टू क्या होगा? -5 - 6 क्या होगा? -11। देयरफॉर A31 इज इक्वल टू
माइनस वन रेस टू द पावर थ्री प्लस वन इन टू एम थ्री वन इज इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस वन रेस टू द पावर फोर इन टू एम थ्री वन कितना है माइनस एलेवन इज इक्वल्स टू, पावर कितना है इवन नंबर है फोर है तो बराबर है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू वन इन टू माइनस इलेवन क्या होगा इज इक्वल्स टू माइनस इलेवन, देयरफॉर ए थ्री वन इज इक्वल्स टू माइनस इलेवन बराबर है। अब देखो उसके बाद क्या निकालना पड़ेगा हम लोगों को, ए थ्री टू, ए थ्री टू क्या है हम लोगों के पास जीरो, एम थ्री टू क्या होगा ये वाले रो छुटेगी और ये वाला कॉलम क्या बचेगा यहाँ पे वन माइनस टू टू फाइव इज इक्वल्स टू, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा यहाँ पे देखो इस तरह से वन इंटू फाइव माइनस माइनस टू इंटू टू इज इक्वल्स टू वन इंटू फाइव फाइव माइनस माइनस फोर इज इक्वल्स टू फाइव माइनस इंटू माइनस प्लस फोर इज इक्वल्स टू नाइन, देयरफॉर एम थ्री टू इज इक्वल्स टू कितना होगा नाइन बराबर है। अब उसके बाद क्या निकालते हैं कोफैक्टर, ए थ्री टू इज इक्वल्स टू क्या होगा माइनस वन रेस टू द पावर थ्री प्लस टू इन टू एम थ्री टू इज इक्वल्स टू क्या होगा माइनस वन रेस टू द पावर फाइव इन टू एम थ्री टू कितना है नाइन इज इक्वल्स टू, अब क्या होगा पावर ऑड है तो यहाँ पे माइनस वन इन टू नाइन इज इक्वल्स टू कितना होगा माइनस नाइन, देयरफॉर ए थ्री टू इज इक्वल्स टू माइनस नाइन। अब लास्ट हम लोगों को क्या निकालना है ए थ्री थ्री, तो ए थ्री थ्री हम लोगों को गिवन है कितना माइनस वन बराबर है ये, अब तो एम थ्री थ्री कैसे आएगा ये थर्ड रो थर्ड कॉलम बराबर है वन माइनस टू माइनस वन थ्री इज इक्वल्स टू, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा वन इंटू थ्री माइनस माइनस टू इंटू माइनस वन इज इक्वल्स टू वन इंटू थ्री थ्री माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस टू इज इक्वल्स टू थ्री माइनस टू वन, तो हम लोगों को यहाँ पे क्या पता चला एम थ्री थ्री की वैल्यू कितनी है वन है बराबर है। तो नाउ ए थ्री थ्री इज इक्वल्स टू क्या होगा माइनस वन रेस टू द पावर थ्री प्लस थ्री इंटू एम थ्री थ्री इज इक्वल्स टू माइनस वन रेस टू द पावर सिक्स बराबर है, और यहाँ पे एम थ्री थ्री कितना है वन इज इक्वल्स टू माइनस वन का पावर इवन है मतलब पॉजिटिव वैल्यू वन इंटू वन इज इक्वल्स टू वन, देयरफॉर एम सॉरी ए थ्री थ्री इज इक्वल्स टू वन, तो ये क्या मिला कोफैक्टर हम लोगों को मिला। तो नाउ कोफैक्टर्स, नाउ कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स कैसे हो गए ए वन वन इज इक्वल्स टू ए वन वन कितना मिला हम लोगों को माइनस थ्री, ए वन टू इज इक्वल्स टू ए वन टू कितना मिला माइनस ट्वेल्व, ए वन थ्री इज इक्वल्स टू कितना मिला सिक्स, ए टू वन इज इक्वल्स टू ये कितना मिला वन, ए टू टू, ए टू टू कितना मिला हम लोगों को थ्री, ए टू थ्री इज इक्वल्स टू ये कितना मिला माइनस टू, ए थ्री वन ये कितना मिला इज इक्वल्स टू माइनस एलेवन, ए थ्री टू इज इक्वल्स टू ये कितना मिला माइनस नाइन, और ए थ्री थ्री कितना मिला वन। तो ये क्या हो गए, ये हो गए कोफैक्टर्स, ये क्या होंगे कोफैक्टर्स।